और स्वागत है आपका हमारे चैनल रॉयल कुकर्स में। आज हम बनाने वाले हैं बेसन की बहुत ही टेस्टी मिठाई। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाती है, बहुत ही कम सामान का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिठाई बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम बेसन और इसका जस्ट हाफ 125 ml घी। अब हम क्या करेंगे, हमने लिया एक नॉनस्टिक पैन, हम उसमें अपना बेसन डाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना घी भी डाल देंगे, पर घी हम यहाँ पर पूरा यूज़ नहीं करेंगे, आधा ही घी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए बेसन को घी के साथ, और फ्लेम हमारी लो टू मीडियम ही रहेगी, ज़्यादा हाई हम नहीं करेंगे फ्लेम को, और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए और अच्छे से भुन ना जाए। तो आप इसे लगातार चलाते रहिए। ये देखिए बेसन अच्छे से घी के साथ मिक्स हो चुका है, लेकिन अभी ये भुनना बाकी है, तो इसे चलाते रहिए लो टू मीडियम फ्लेम पर और इसे भुनने तक वेट कीजिए। ये देखिए बेसन हल्का हल्का सा अपना कलर चेंज करेगा, तब ये भुन जाएगा अच्छे से और इसमें स्मेल भी आने लगेगी बेसन भुनने की। ये देखिए लगभग हमारा बेसन भुन चुका है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसा ही बेसन आपका हो जाना चाहिए, कलर भी अच्छा चेंज कर दिया है। अब हम लेंगे आधा कप मिल्क पाउडर, हम लेंगे एक कढ़ाई, नॉनस्टिक ही हमने यूज़ करी है, वहाँ पर हम डालेंगे 125 ml दूध, ये थोड़ा सा ही दूध है आधा कप के करीब। अब हम इस दूध में अपना बचा हुआ घी डाल देंगे, ये देखिए जो हमने बचा रखा था आधा, वो हम इसमें यूज़ कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये आधा कप मिल्क पाउडर, आप किसी भी वैरायटी का मिल्क पाउडर ले सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ध्यान रखिए कि इसमें लम्स ना बने, आप लगातार विस्कर से विस्क कीजिए इसको। ये देखिए फ्लेम हमारी मीडियम टू लो ही है। अच्छे से चलाइए इसे, इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। ये देखिए अब इसे लगातार चलाते रहना है। ये मिठाई की रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, आपका जब भी मीठा खाने का मन करे तो आप झटपट इसे बना सकते हैं, वो भी घर की कुछ ही चीज़ों से। तो ये बहुत ही आसान है, एटलीस्ट आपको एक बार तो ये ट्राई ज़रूर ही करना चाहिए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसे बनाने में। तो चलिए देखिए अभी हम इसे और चलाएँगे, इसे गाढ़ा होने तक दूध को हम इसे चलाते रहना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आप पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम ऐसी ही टेस्टी और इजी रेसिपीज लाते रहेंगे आपके लिए। ये देखिए हमारे दूध की कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है, बिल्कुल गाढ़ी एकदम मावे जैसी लग रही है ये देखिए। अब हम डालेंगे इसमें आधा कप बूरा या पाउडर्ड शुगर आप कह सकते हैं, वो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। हम कोई चाशनी वगैरह नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही आसान तरीके से हम मिठाई बना रहे हैं। इस बूरा को भी आप अपने इस मिक्सचर के साथ मिक्स कर लीजिए अच्छे से। देखिए अब हम डालेंगे हमारा जो ये बेसन था वो हम इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए आप सारा इसमें डाल दीजिए। आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये बहुत ही आसान है, सिर्फ तीन या चार चीज़ों से ये बन जाती है मिठाई और बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। ये देखिए बहुत अच्छे से आप बूरा को और बेसन को और हमारे दूध के मिक्सचर को मिक्स कर दीजिए। इसे एक से दो मिनट तक चलाते रहिए। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक रखनी है हमें, ताकि अच्छे से जम जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो
और जो हमने इसमें पाउडर्ड शुगर डाली है वो भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। वाओ, अब इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है, ये जमने लायक हो गया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमने तो एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, आप चाहें तो कोई भी थाली या आप जिसमें भी अपनी मिठाई जमाते हैं वो लीजिए और उसमें घी ग्रीस कर लीजिए, घी या ऑयल आप ग्रीस कर सकते हैं। अब हमने नीचे ही ड्राई फ्रूट डाले हैं, आप चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, जो आपका मन करे वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, हमने ड्राई फ्रूट्स अच्छे से फैला लिए हैं। अब हमारा जो मिक्सचर है हम वो भी इसमें अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। ये देखिए, आप चम्मच पर हल्का सा घी लगाइए और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। ये देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही। अब ये देखिए, अब आपको इसे ओवरनाइट रखना होगा जमने के लिए, वरना आप 2 से 3 घंटे फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बहुत अच्छे से जम जाती है। ये देखिए, 2 से 3 घंटे हो चुके हैं, हमने फ्रिज में रखा था। अब हम इसे प्लेट में पलट लेंगे क्योंकि हमने बैक साइड पर अपने ड्राई फ्रूट्स लगाए थे। तो ये देखिए, हम इसे अच्छे से पलट लेते हैं, ये बहुत ही आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसे उठा देती हूँ, बहुत ही आराम से ये 2-3 टैप में ही निकल गया है। वाओ, कितनी सुंदर लग रही है हमारी मिठाई और खाने में लिटरली इतनी ही टेस्टी भी लगेगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं अब इसके पीसेस कट कर लेती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट है ये मिठाई और बहुत ही टेस्टी, बेसन की मिठाई कौन नहीं खाना चाहेगा। वाओ, आप इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। ये देखिए, मैं एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही आसानी से पीस भी निकल गए हैं और ये पूरी मिठाई बहुत ही अच्छे से बहुत ही कम टाइम में बन गई है। एटलीस्ट आपको एक बार तो ज़रूर ये मिठाई बनानी चाहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।